हाय गाइस, वेलकम टू देव स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विंबलडन 2021 के बारे में। गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, जेंटलमैन सिंगल्स को कौन जीता है? नोवाक डोचोकोविक। जो ये जो प्लेयर हैं नोवाक डोचोकोविक, वो जेंटलमैन सिंगल फाइनल जीते हैं। तो नोवाक डोचोविक के बारे में जान लेते हैं। तो ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, सर्बिया से, ठीक है। और ये इनका 20th ग्रैंड स्लैम है, 20th ग्रैंड स्लैम, जो कि बराबर हो चुका है राफेल नडाल और रॉजर फेडरर को बराबर कर चुके हैं। और विंबलडन कितने बार जीते हैं? तो ये 6 बार, 6 टाइम्स विंबलडन जीते हैं, 6 टाइम्स विंबलडन जीते हैं। और ये डिफेंडिंग चैम्पियन भी थे और लगातार 3 साल से ये विंबलडन जीत रहे हैं। मतलब कि 2019 में भी जीते थे, 2020 में भी जीते थे, 2021 में भी जीते हैं, ये याद रखिएगा। सॉरी, 2020 में हुआ नहीं था, 2018 में जीता था विंबलडन, हुआ था, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये किसको डिफीट किए हैं? तो मैटियो बेरेटिनी, ये फाइनलिस्ट हैं। मैटियो बेरेटिनी को हरा के नोवाक डोचोविक ने विंबलडन जीता। तो मैटियो बेरेटिनी के बारे में जानते हैं। ये इटालियन प्लेयर हैं, इटालियन प्लेयर हैं मैटियो बेरेटिनी। वुमेंस के बारे में, लेडीज़ के बारे में मान लेते हैं। लेडीज़ सिंगल कौन जीता है? तो एशली बार्टी, इनका ये पहला विंबलडन चैम्पियनशिप है, डेब्यू की थी, मतलब डेब्यू जीती हैं, पहला है, पहला विंबलडन चैम्पियनशिप जीती हैं ये, फर्स्ट। कहाँ से बिलोंग करती है एशली बार्टी? तो बहुत सिंपल है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है एशली बार्टी। किसको हराई थी? तो इनको हराई थी, करोलिना प्लिस्कोवा को हराई थी फाइनल में जाके। तो ये एग्ज़ाम में पूछता है कि किससे हारी थी, किनको हराई थी, ये सब पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ। और ये लास्ट है समीर बैनर्जी। तो ये देखिए, बॉयज़ जो बॉयज़ होता है, जैसे जूनियर डिवीज़न होता है ना, वैसे ही बॉयज़ होता है। जैसे जेंटलमैन सिंगल फाइनल होता है, तो बॉयज़ सिंगल फाइनल में ये इंडियन ओरिजिन के समीर बैनर्जी जीते हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से आ सकता है कि समीर बैनर्जी बॉयज़ सिंगल विंबलडन चैम्पियन हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे चैम्पियंस होते हैं, जैसे डबल्स होता है, मिक्स्ड होता है, ठीक है, हैंडीकैप्ड होता है। तो जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपके इस वीडियो में कवर कर दिया हूँ। सो गाइज, यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल देव स्टडी अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।